बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2023 में उदयपुर में दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन आज भी फैंस ये जानना चाहते हैं कि दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई, आखिर उनकी लव स्टोरी शादी तक कैसे पहुंची। पर अब लगता है फैंस का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि परिणीति चोपड़ा ने पहली बार अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। अपनी लव स्टोरी को फैंस के साथ शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि राघव के साथ उनकी पहली मुलाकात कैसी थी और किस तरह उन्हें प्यार हुआ था। परिणीति ने कहा कि वो लोगों को उनकी लव स्टोरी फिल्मी लग सकती है। दरअसल परिणीति एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अब अपना करियर सिंगिंग में भी शुरू किया है, तो वहीं राघव का नाता राजनीति से है। परिणीति हमेशा से ही एक राजनेता के साथ रिलेशनशिप में होने से इनकार करती थी, पर आखिर में आपके नेता को अपना लाइफ पार्टनर चुना। एक्ट्रेस ने पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि हम लंदन में मिले थे, हम दोनों को अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन काम करने के लिए सम्मानित किया जा रहा था। गणतंत्र दिवस का मौका था, हम सब सुबह नाश्ते के लिए मिले थे, शायद हम एक घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठे रहे। राघव को देखकर मुझे लगा कि ये वही है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही हूँ। हालांकि मुझे राघव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही राघव की उम्र के बारे में पता था और ना ही ये मालूम था कि वो शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि मैंने कभी पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं किया। दोनों की पहली मीटिंग में इतना कम्फर्टेबल हो गए कि वो मीटिंग खास बन गई। राघव के बारे में अनजान होते हुए भी परिणीति को ये लगने लगा था कि उनका एक साथ होना तय लिखा है। पहली बार राघव को मिलने पर उन्हें ऐसा लगा था कि उनमें जरूर कुछ तो खास है। परिणीति ने बताया कि राघव के साथ पहली बार मुलाकात करने के बाद उन्होंने होटल के रूम में आकर सबसे पहले राघव के बारे में गूगल किया था। परिणीति कहती है, मैंने अपने कमरे में वापस जाकर इनके बारे में गूगल किया कि राघव चड्ढा क्या करते हैं, राघव चड्ढा शादीशुदा हैं या नहीं, उन्होंने राघव की उम्र, शादी हुई है या नहीं से लेकर सब कुछ सर्च किया। जब परिणीति ने देखा कि वो सिंगल हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। अब परिणीति राघव के साथ घर बसाकर बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर पति के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में परिणीति चोपड़ा ने पहली बार लाइव परफॉर्मेंस दी थी, जिसके लिए वो इन दिनों चर्चा में है। परिणीति कहती है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो उन्हें हर दिन मोटिवेट करता है। राघव ने ही उन्हें सिंगिंग के लिए मोटिवेट किया। राघव जानते हैं कि उन्हें गाना गाने का कितना शौक है। परिणीति बताती हैं कि ये राघव का ही डिसीजन था कि वो इस तरह से सिंगिंग डेब्यू करें। आपको राघव चड्ढा और परिणीति की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।